फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप लॉकडाउन में कैसे कंजक पूजन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि आपने तो हलवा पूरी चने का भोग सिखाया है, बट कई बार लॉकडाउन में कोई भी घर पे एक दूसरे के नहीं जा रहे हैं और जाना भी नहीं चाहिए, तो उसमें हम कैसे कन्या पूजन कर सकते हैं। और जिन्होंने 9 दिन व्रत रखा है उन्हें तो कन्या पूजन करना ही चाहिए, तो आप कैसे कन्या पूजन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके घर में एक भी कन्या है कोई, तो आप बस उन्हें भोग लगा दीजिए, उन्हें खाना खिला दीजिए, उतना काफी होगा। और अगर तब भी अगर आपके घर में एक भी कन्या नहीं है और अगर आप बाहर भी देना चाहते हैं, 9 कन्याओं को जिमाना चाहते हैं, 5 कन्याओं को जिमाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहला ऑप्शन और सबसे बेस्ट ऑप्शन तो है आप केले ले सकते हैं। तो आप एक कन्या के लिए 2 केले ले सकते हैं, या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप एक डिस्पोजेबल प्लेट ले लीजिए, उसमें आप 2 केले ले लीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार आप 11 रूपये 21 रूपये ले सकते हैं, या फिर आप पैसों की जगह कोई गिफ्ट भी ले सकते हैं, पैसे या गिफ्ट में से कोई एक चीज दी जा सकती है। इसके बाद आप इसी पे थोड़ी सी मोली बांध दीजिए, केले पे जरा सी मोली बांध दीजिए तो हमारा मोली का भी हो जाएगा, और प्लेट पे आप जरा सी कुमकुम लगा दीजिए तो हमारा हम कुमकुम भी लगा देंगे। ये सब आप एक साथ सारी प्लेटों में केले रख के एक साथ सब पे लगा सकते हैं माता रानी के आगे। और मिठाई तो लॉकडाउन में कोई खा नहीं रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है केले, क्योंकि जो बनाना है उसका हम आसानी से पील हटा के वो बिना किसी कांटेक्ट के सामने वाले जो भी कन्या होगी वो खा लेगी, क्योंकि बाकी फल तो जैसे सेब है तो उसका छिलका उतारने में कई लोग उससे मतलब कोरोना से डरे हुए हैं, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है केले दे दीजिए। और माता की पूजा में केले बहुत शुभ भी माने जाते हैं, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर आप इस सारे सामान को एक लंच बॉक्स में रख के भी दे सकते हैं। अगर आप केले नहीं देना चाहते हैं तो आप चिप्स का पैकेट दे सकते हैं, या फिर आप टॉफीज, कैडबरी, डेयरी मिल्क ये सब दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ इन सब के साथ हमें जो हमने नारियल बधारना है, जो नारियल हमने अभी कलश पे रखा हुआ है वो अष्टमी और नवमी के दिन, क्योंकि इस साल अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, तो जो नारियल हम बधारेंगे उसका भी थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े हमें सबकी प्लेट में रख के देने होते हैं। तो इस तरीके से आप लॉकडाउन में कंजक पूजन कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके में, और आपकी पूजा भी पूरी फलदायक होगी। तो आप 1, 5, 9 कितनी भी कन्याओं को ऐसे केले दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।